Welcome back, my dear kids, with another chapter of our science book by Brain Root series. The name of our book is Science Park Class 2 और हमारे chapter का नाम है Animals in the Forest. आज हम जंगली जानवरों के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए chapter start करते हैं. In this chapter, you will learn about homes of wild animals, food of wild animals और हम पढ़ेंगे animals should be protected. Before we start, we have to do one warm-up exercise. Help Tisha reach her family's tent. Keep naming the animals on the way using the number code. Tisha को कहाँ जाना है? टेंट में अपनी फैमिली के पास. रास्ते में उसे बहुत सारे जानवर मिले. आपको क्या करना है? उन जानवरों को नंबर कोड देना है. जैसे ऊपर लिखा है जीब्रा, जीब्रा के लिए 1, लायन के लिए 2, एलिफेंट के लिए 3, सो एंड सो. तो सबसे पहले उसे कौन मिला? जीब्रा. जीब्रा के लिए क्या है? नंबर 1. तो वो यहाँ लिखेगी नंबर 1. इसी तरह वो सभी जानवरों को क्या देगी? नंबर कोड देगी. और कहाँ पहुँचेगी? अपने टेंट में. Some animals live in jungles. We call these animals as wild animal. Elephant, giraffes, zebra, tigers, lion, bears and deers are some wild animals. कुछ जानवर जंगल में रहते हैं, जैसे शेर, चीता, भालू, जिराफ, हाथी. इन्हें हम क्या कहते हैं? जंगली जानवर. वो जानवर जो जंगल में रहते हैं उन्हें हम जंगली जानवर कहते हैं. होम्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. अब मैं आपको जंगली जानवरों के घरों के बारे में बताऊंगी. वो कहाँ रहते हैं? एनिमल्स लिव ऑन लैंड, ट्री एंड इन वाटर. सम एनिमल्स मेक स्पेशल शेल्टर टू लिव. सम एनिमल्स सच एज एलिफेंट, डियर्स, टाइगर, ज़ेब्रास एंड ज़ेब्रा डू नॉट बिल्ड होम. कुछ जानवर जमीन पर रहते हैं, कुछ पेड़ों पर और कुछ पानी में. कुछ जानवर रहने के लिए अपना स्पेशल घर बनाते हैं, लेकिन कुछ जानवर जैसे हाथी, जिराफ, जीब्रा, ये क्या करते हैं? घर नहीं बनाते. दे मूव थ्रू द फॉरेस्ट एंड रेस्ट अंडर द शेड ऑफ द ट्री. वो पूरे जंगल में घूमते हैं और किसी एक पेड़ के नीचे आराम करते हैं. ज़ेब्रा लिव ऑन लैंड. बर्ड्स मेक नेस्ट ऑन ट्री. अमंकी लिव ऑन अ ट्री. ज़ेब्रा धरती पर रहता है. चिड़िया पेड़ों पर घोंसला बनाती है. मंकी पेड़ पर रहता है. अ क्रोकोडाइल लिव्स बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर. और क्रोकोडाइल मगरमच्छ पानी में भी रहता है और ज़मीन पर भी. फूड ऑफ वाइल्ड एनिमल. अब मैं आपको वाइल्ड एनिमल के फूड के बारे में बताऊंगी. On the basis of the food they eat, different animals are classified as. सभी जानवर अलग अलग खाना खाते हैं, तो चलिए पढ़ते हैं. Animals such as deer, giraffe, zebra and elephant eat only plants are called herbivorous. कुछ जानवर सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, हरे पेड़ पौधों को ही खाते हैं, जैसे जीब्रा, हिरन, जिराफ. तो इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम हर्बीवोरस एनिमल्स कहते हैं. एनिमल्स सच एज बियर्स, क्रोस, पीकॉक ईट बोथ प्लांट एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोरस. जैसे कौआ, मोर, भालू, ये क्या करते हैं? ये हरे पेड़ पौधे भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं. तो इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम ओमनी वोरस कहते हैं. एनिमल्स सच एज टाइगर, लायन, ईगल्स, चीता ईट ओनली फ्लैश ऑफ द अदर एनिमल्स. तो सो दे कॉल्ड कार्निवोरस. शेर, चीता, ईगल, ये सब क्या खाते हैं? ये दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं, उनका शिकार करते हैं. तो हम इन्हें कार्निवोरस कहते हैं. Animals such as hyena, jackal and vulture eat the remains of dead animals are called scavengers. गिद्ध,
जैकल मतलब लोमड़ी, ये क्या खाते हैं? मरे हुए जानवरों को खाते हैं, नोच नोच कर खाते हैं उन्हें, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? स्क्वेंजर्स कहते हैं। तो जो हरे पेड़ पौधे खाते हैं वो हर्बीवोरस होते हैं, जो मांस खाते हैं वो कार्निवोरस होते हैं, जो मांस और हरे पेड़ पौधे दोनों खाते हैं उन्हें हम ओमनीवोरस कहते हैं, और वो जानवर जो मरे हुए जानवरों को खाते हैं, उन्हें नोच कर खाते हैं, उन्हें हम स्क्वेंजर्स कहते हैं। नाउ टाइम टू टेस्ट योर स्किल, सर्कल द ऑड वन आउट। अब हम आपका एक छोटा सा टेस्ट लेंगे। पहला क्वेश्चन है सर्कल द ऑड वन आउट, जो अलग है उसको सर्कल करिए। नंबर वन, कैट, टाइगर, लायन, एलिफेंट। कैट, कैट क्या है? वो पेट एनिमल है। टाइगर, लायन और एलिफेंट ये क्या है? वाइल्ड एनिमल्स। तो इसमें क्या अलग है? कैट। तो हम कैट को क्या करेंगे? सर्कल। नेक्स्ट टू यू विल डू बाय योरसेल्फ। नाउ एनिमल शुड बी प्रोटेक्टेड, एनिमल्स का ध्यान रखना चाहिए, वो सुरक्षित रहे। एनिमल्स बिकम होमलेस व्हेन वी डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट बाय कटिंग डाउन ट्रीज। जानवर बेघर हो जाते हैं कब? जब हम जंगल से पेड़ों को काटते हैं। वाइल्ड एनिमल्स नीड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम पीपल हु किल देम फॉर देयर स्किन एंड फर। हमें जंगली जानवरों को लोगों से बचाना चाहिए ताकि कुछ लोग उनका शिकार ना कर सके। लोग क्यों करते हैं जानवरों का शिकार? उनकी स्किन, उनकी त्वचा और फर को पाने के लिए। Many animals and birds are no longer found on the earth. बहुत से ऐसे जानवर और पक्षी हैं जो अब धरती पर हमें देखने को नहीं मिलते। डायनासोर देखने को मिलते हैं? नहीं मिलते। They have become extinct. The dinosaurs which lived on the earth long, long ago are now extinct. जानवर कौन सा? डायनासोर। पहले धरती पर मिलता था देखने को, लेकिन अब वो क्या है? धरती से खत्म हो चुका है, उसकी प्रजाति लुप्त हो चुकी है। सम एनिमल्स आर फाउंड इन वेरी फ्यू नंबर, और कुछ जानवर अब बहुत ही कम मात्रा में रह गए हैं धरती पर। दे आर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट, सो दे आर कॉल्ड एंडेंजर्ड एनिमल। वो क्या है? कुछ ही रह गए हैं, उनको भी क्या है? खतरा है, आने वाले टाइम में वो जानवर भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो उन जानवरों को हम क्या कहते हैं? एंडेंजर्ड एनिमल्स कहते हैं। वो कौन से जानवर हैं अब जो कम पाए जाते हैं, कम देखने को मिलते हैं? टाइगर, इंडियन राइनोस और पांडा, ये भी अब बहुत कम रह गए हैं। धीरे धीरे इनकी प्रजाति भी लुप्त हो जाएगी, आने वाले टाइम में ये देखने को नहीं मिलेंगे। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? डोडो वॉज अ फ्लाइटलेस बर्ड। डोडो एक फ्लाइटलेस बर्ड थी जो उड़ नहीं सकती थी। विच लिव्ड मैनी मैनी ईयर अगो, जो बहुत साल पहले रहती थी। इट इज़ नाउ एक्सटिंक्ट, इट इज़ नो लॉन्गर एग्जिस्ट। अब वो धरती पर नहीं पाई जाती, उसकी प्रजाति खत्म हो गई है। नाउ टाइम टू गो इन फ्लैशबैक। एनिमल लिव ऑन लैंड, ट्री एंड इन वाटर। जानवर धरती, पेड़ पौधों और पानी में रहते हैं। एनिमल लिव इन जंगल आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल। वो जानवर जो जंगल में रहते हैं उन्हें हम वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं। सम एनिमल्स ईट ओनली प्लांट वाइल सम ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल। कुछ जानवर सिर्फ पेड़ पौधे खाते हैं और कुछ क्या खाते हैं? अदर्स एनिमल्स का फ्लैश मांस खाते हैं। They are in danger of becoming extinct, so they are called endangered animals. Now, time to do exercise. Tick the correct option. सही option पे टिक का निशान लगाइए. Which of the following is not a wild animal? इनमें से कौन सा wild animal नहीं है? Hippopotamus, zebra, dog या lion? Dog wild animal नहीं है. Which of these is a scavenger? Deer, lion, monkey and vulture. The correct option is option D. Number 3 and 4 you will do by yourself. Now exercise B. Fill in the blank
विद द करेक्ट वर्ड गिवन इन द बॉक्स. आपको फिल इन द ब्लैंक्स करनी है, करेक्ट वर्ड देखना है कहाँ से, बॉक्स से. तो चलिए करते हैं. एनिमल लिव ऑन, एनिमल कहाँ रहते हैं? नंबर वन लैंड पे रहते हैं, देन वाटर पे रहते हैं, और कहाँ रहते हैं? ट्रीज पे रहते हैं. नंबर टू एंड डैश ईट ओनली प्लांट, कौन से जानवर है जो सिर्फ प्लांट खाते हैं? तो इसमें आएगा एन एलिफेंट. नंबर थ्री फोर एंड फाइव यू विल डू बाय योरसेल्फ. नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज मैच द फॉलोइंग. यहाँ पे कुछ जानवरों के नाम दिए हुए हैं और उनसे रिलेटेड कुछ बात है, आपको उनको मैच करना. सबसे पहले टाइगर, टाइगर से रिलेटेड क्या है? बुरो, डेन, कार्निवोर, स्कंजर या हर्बीवोर. तो टाइगर कहाँ रहता है? डेन में रहता है. डेन डियर, डियर से रिलेटेड क्या है? डियर है हर्बीवोर. देन वल्चर मतलब गिद्ध, गिद्ध क्या है? गिद्ध है स्क्वेंजर. नेक्स्ट टू यू विल डू बाय योरसेल्फ. नाउ एक्सरसाइज डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. माय डियर किड, वंस अगेन यू विल रीड योर चैप्टर वेरी केयरफुली एंड एक्सरसाइज डी यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ. इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न अबाउट वाइल्ड एनिमल. हमने वाइल्ड एनिमल्स के बारे में पढ़ा. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.